नोटबंदी के फैसले के बाद जनधन खातों में काला धन जमा होने की आशंका के चलते आरबीआई ने अहम कदम उठाया है। आरबीआई ने इन खातों से पैसे निकालने की लिमिट तय कर दी है। अब हर महीने जनधन खातों से सिर्फ 10,000 रुपए ही निकाले जा सकेंगे। हालांकि खास परिस्थितियों में इस सीमा से ज्यादा रकम भी निकाली जा सकेगी। बुधवार को आरबीआई की तरफ से आए बयान में बैंकों के मैनेजर को हिदायत दी गई है कि अगर किसी खाते धारक को महीने में 10,000 रुपए से ज्यादा निकालने हैं तो उसे अपनी जरूरतों का पूरा ब्यौरा देना होगा। रिजर्व बैंक के निर्देश में यह भी कहा गया है कि लिमिटेड या नॉन केवाईसी के तहत आने वाले खाताधारक हर महीने अपने अकाउंट से 5,000 रुपए ही निकाल पाएंगे। यह लिमिट 9 नवंबर 2016 के बाद पुरानी करेंसी के रूप में जमा की गई रकम के लिए है। आरबीआई ने कहा कि इस कदम का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बैंक खाता रखने वाले किसानों और ग्रामीणों को मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों से बेनामी लेन देन कानून के परिणामों से बचाया जा सके। आपको बता दें कि नोटबंदी के बाद अचानक जनधन खातों में ज्यादा रकम जमा होने लगी है। कहा जा रहा है कि आरबीआई के इस फैसले के बाद जनधन खातों के जरिए अपना काला धन सफेद कर रहे लोगों पर शिकंजा कस सकता है। दरअसल वित्त मंत्रालय को लग रहा है कि नोटबंदी के बाद जनधन खातों के जरिए कुछ लोग अपने काले धन को सफेद करने की कोशिश कर रहे हैं। नोटबंदी के बाद से अब तक 25 करोड़ जनधन खातों में 65,000 करोड़ से ज्यादा रुपए जमा हुए हैं। भले ही आरबीआई ने यह कदम काले धन पर शिकंजा कसने के लिए लिया हो, लेकिन इस फैसले से कहीं ना कहीं उन गरीबों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं जिन्होंने नोटबंदी के बाद अपना बचा हुआ धन इन खातों में जमा कराया था। देखते रहिए डीबी लाइव।